हमने 12/3/2024 को फर्जी एनिवर्सरी जो मनाई है उसको हमने चैलेंज कर दिया है। हमने एपी सिंह जी द्वारा जो ये कहा गया कि सचिन सीमा बोलिए उसको कोर्ट में हमने चैलेंज कर दिया है। हमने इनके धर्म परिवर्तन को चैलेंज कर दिया है जो ये पूरी दुनिया का मूर्ख को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन बच्चों के कन्वर्जन को चैलेंज कर दिया है। हमने इस केस द्वारा जो पंडित जी ने गलत फेरे फिरवाए हैं उसको हमने चैलेंज कर दिया है। जो वहां पर अपने आप को बराती बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस प्रोग्राम में जो शामिल हो रहे थे, डांस कर रहे थे, उन सब पे हमने मुकदमा फाइल किया है। और ये जितना भी आडंबर किया गया ये सब फर्जी है, कानून की नजरों में इल्लीगल है, नल एंड वाइड है। इसको हम कोर्ट द्वारा प्रूव करके रहेंगे और ये हमने केस डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपकी जानकारी के लिए मैंने ये आपको बता दिया है, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, सलाम। जैसा कि मैं आज कई दिन के बाद आपके सामने आया हूं, उसका मेन जो कारण था वो ये था कि मैं अपनी लीगल कार्रवाई को अंजाम दे रहा था और मैंने अपनी लीगल कार्रवाई को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। ऐसे हालात में जब आप पुलिस को कंप्लेंट देते हो और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, ऐसे हालात में जब आप आला ऑफिसर्स को कंप्लेंट देते हो और उसमें अपने ग्रीवेंस को बताते हो और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती या स्लो मोड में चलती है, और जहां पर लीगल चीज को भी इलीगल बना दिया जाता है, जैसा कि सीमा हैदर ने पूरी दुनिया के सामने लाइव जो फर्जी मैरिज एनिवर्सरी 12/3/2024 को मनाई थी और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करी थी कि जी मैं महा झूठी हूं, मेरा कोई स्टैंड नहीं है, कभी मैं कुछ बोलती हूं कभी मैं कुछ बोलती हूं, तो हमने उस पर बहुत बड़ा लीगल एक्शन लिया है। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि वो हमने लीगल एक्शन क्या लिया है। ऐसे हालात में जब किसी लीगल चीज को इलीगल बना दिया जाए और उसमें कानून के कुछ मानने वाले लोग भी शामिल हो और दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी जाए और झूठ को सच बना दिया जाए, उन हालात में हमारे कानून में क्या प्रोविजन दिया हुआ है और उसमें क्या हो सकता है हमारे भारतीय कानून में। तो हमने एक केस माननीय अदालत में फाइल किया है और उस केस के अंदर हमने ये जो केस फाइल किया वो गुलाम हैदर की तरफ से फाइल किया है और मेरे थ्रू फाइल हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के थ्रू। और उसमें हमने जो पार्टी बनाया है सीमा हैदर को बनाया है और उसके अंदर हमने सचिन मीना को भी पार्टी बनाया है, उसके अंदर हमने उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह को भी पार्टी बनाया है, उसके अंदर हमने उस पंडित जी को भी पार्टी बनाना है जिसने फर्जी फेरे फिरे सीमा और सचिन के, और हमने उन तमाम बरातियों को जो अपने आप को उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, अपने आप को बराती कह रहे थे, उन सब को भी हमने केस में पार्टी बनाया है। हमने इन सब के ऊपर मुकदमा फाइल किया है। क्या मुकदमा फाइल किया है वो मैं आपको बता देता हूं। हमने सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत हमने जो इन्होंने फर्जी शादी की है उसको कानून की नजरों में हमने चैलेंज किया है और हमने कहा है कि जो सेल्फ डिक्लेयर मैरिज फर्जी मैरिज 12/3/2023 को सीमा और सचिन के बीच में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सामने जो ड्रामा किया गया वो बिल्कुल नल एंड वाइड है और वो किसी भी तरीके से कानून की नजरों में मान्यता नहीं है। वो जो इन्होंने 12/3 को जो मैरिज का एक फर्जी ड्रामा किया है उस ड्रामे को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है कि भाई ये बिल्कुल फर्जी है। उसके अलावा दो नंबर पर हमने कहा है
कि सीमा हैदर और सचिन मीना जिन्होंने अपनी फर्जी मैरिज को रिवाइज करते हुए 12/3/2024 को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के सामने कहा है और जो सेलिब्रेशन मनाया है वो कानून की नजरों में बिल्कुल इलीगल है, उसको हमने चैलेंज किया कि वो बिल्कुल इलीगल है। इसके अलावा हमने जो तीसरी बात को चैलेंज किया है वो ये है कि सीमा हैदर जो गुलाम हैदर की वाइफ है उसका कोई भी तलाक कानूनी रूप से ना पाकिस्तान में हुआ है और ना भारत में हुआ है और वो अभी तलाकशुदा नहीं है। ये कोर्ट में हमने ये बात को चैलेंज किया है कि आके प्रूव करो इस बात को। उसके अलावा जो हमने एक और बात को चैलेंज किया है कि भाई जो सीमा और सचिन ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार वो अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि हम मैरिज करने जा रहे हैं, वो कानून की जनरल पब्लिक के अंदर वो कानून की नजर में नल एंड वाइड है, यानी कि वो गैर कानूनी है। यानी सीमा ने जो 12/3 को जो फर्जी एनिवर्सरी दिखाई है वो बिल्कुल फर्जी है और वो कानून की नजर में गैर कानूनी है, ये हमने एक रखा है। अगला डिक्लेरेशन जो हमने किया है कि भाई जो सीमा अपने आप को कहती है कि मैंने सनातन धर्म को अपना लिया है, तो हमने कोर्ट के जरिए से ये डिक्लेरेशन किया है कि वे सीमा आज तक भी मोमडन की मोमडन है और उसने कोई भी धर्म परिवर्तन कानून के मुताबिक नहीं किया है। अगर किया है तो कोर्ट में आके जवाब दे और कोर्ट ये साबित करेगा कि वो उसने कोई कर्मजन नहीं किया है और वो सिर्फ दिखावा कर रही है। उसके अलावा हमने कोर्ट में एक चीज को और हमने चैलेंज किया है कि अगर इस सोबत से इस कंपनी से जो सीमा और सचिन एक साथ रह रहे हैं जो उनकी कंपनी इलीगल कंपनी है अगर उससे कोई औलाद पैदा होती है तो वो कानून की नजरों में इलिसिट चाइल्ड होगा, यानी कि वो बच्चा जो सीमा और सचिन के आपस के किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से पैदा होगा और जो आपस की कंपनी से पैदा होगा वो कानून की नजर में एक तरह से वो नाजायज औलाद होगा, ये हमने कोर्ट में मांग रखी है और उसको प्रूव हम करेंगे। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर एपी सिंह जी जो मुंह बोले भाई बनते हैं उनका सोशल मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया के अंदर ये कहना कि सीमा सचिन बोलिए वो कानून की नजर में नल एंड वाइड है, वो गैर कानूनी है, उस चीज को हमने इसके अंदर हमने जो मांग की है वो हमने डिक्लेयर कराने के लिए कि भाई एपी सिंह जो कहता है ये बिल्कुल गलत है, कानून की नजर में नहीं है, वो सचिन मीना नहीं है और वो इस प्रकार नहीं कह सकता। अगर वो सचिन सीमा की वाइफ है तो आके प्रूव करे। उसके अलावा हमने एक और इस मुकदमा के अंदर चैलेंज की है बात कि अगर गुलाम हैदर के बच्चों को किसी भी प्रकार की अडॉप्शन डीड बनाई जाती है या अब से पहले बनाई है वो कानून की नजरों में जब तक गुलाम हैदर की सहमति उसमें ना ली जाए, उसकी प्रॉपर लिखित में सहमति ना ली जाए, अगर वो अडॉप्शन डीड कोई बनाई गई है तो कानून की नजरों में वो एक तरीके से नल एंड वाइड है, गैर कानूनी है, इस चीज को भी हमने चैलेंज किया है। और इसके अलावा जो हमने और चैलेंज की है कि जो पंडित जी आए थे जिन पंडित जी ने फेरे कराए हैं वो फेरे बिल्कुल कानून की नजर में हिंदू कानून के मुताबिक भारतीय कानून के मुताबिक वो टोटली जो है वो अघोषित जो उन्होंने किया है मीडिया के सामने वो टोटल नल एंड वाइड है, वो गैर कानूनी है, ये भी हमने उसको चैलेंज किया है। इसके अलावा जो इस प्रोग्राम में जितने भी व्यक्ति शामिल हुए हैं इस
फर्जी मैरिज एनिवर्सरी में, उस मैरिज एनिवर्सरी में जितने भी लोग शामिल हुए हैं एज ए विटनेस, सीमा और सचिन की जो फर्जी शादी के जो गवाह बनने की जिन्होंने कोशिश की है, वो सारे गवाह फर्जी हैं। वो सारे गवाह जो वहां पर इकट्ठे हुए वो इल्लीगल है कानून की नजरों में, और हमने उनको भी डिक्लेयर किया कि आपका उस फर्जी मैरिज के अंदर शामिल होना वो गैर कानूनी है। इस प्रकार हमने ये बातें जो आपको बताई है इनको कोर्ट में चैलेंज किया है। दोबारा से मैं दोहरा देता हूं कि हमने जो इसमें चैलेंज किया है वो 12-3-2023 को जो इन्होंने मैरिज को कह मैरिज दिखाई है अपने आप की, वो गलत है। और जो इन्होंने उसकी एनिवर्सरी मनाई है 12-3-2024 को, वो भी गैर कानूनी है। उसको भी हमने, इसकी मैरिज को हमने चैलेंज किया है। जो ये कहती है 12-3-2023 को इसने मैरिज की थी नेपाल में, हमने उस मैरिज को चैलेंज कर दिया, हमने इसकी मैरिज एनिवर्सरी को चैलेंज कर दिया, हमने इसके ये कहती है मैंने हिंदू धर्म अपना लिया, तो हमने उसके हिंदू धर्म अपनाने को भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि कानून की नजर में इसने कोई धर्म अभी तक हिंदू नहीं अपनाया, ये मुसलमान की मुसलमान है। और उसके अलावा हमने एक बात को और चैलेंज किया, अगर बच्चों का किसी प्रकार का अडॉप्शन बनाया गया है या अडॉप्शन डीड बनाई गई है, तो हमने उसको भी चैलेंज किया कि ये गलत किया है और ये कानून की नजरों में गलत है। हमने बच्चों का जो धर्म चेंज किया जा रहा है, बच्चों का जो परिवर्तन, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मंथावन किया जा रहा है, रिलीजन को चेंज किया जा रहा है बिना कानून की को फॉलो किए और बिना सहमति के गुलाम हैदर की, हमने उनके धर्म परिवर्तन को भी कोर्ट में इस याचिका द्वारा, इस केस द्वारा उसको चैलेंज किया है। और हमने इसके साथ साथ ये भी चैलेंज किया है कि जो पंडित जी ने फेरे कराए हैं वो बिल्कुल गलत है, वो भारतीय कानून की नजरों में भी गलत है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी वो सब गलत है। और हमने इसके अंदर जो शादी के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनके, जिन्होंने गवाह बनने की कोशिश की है, उनको भी हमने जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए ये केस हमने उनके ऊपर डाला है। तो आप दोस्तों, आप देखेंगे कि हमने कोर्ट द्वारा जो इनकी 12-3-2023 को जो ये अपने आप को मियां बीवी फर्जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस मैरिज को हमने चैलेंज कर दिया इस केस के माध्यम से। हमने 12-3-2024 को फर्जी एनिवर्सरी जो मनाई है उसको हमने चैलेंज कर दिया है। हमने एपी सिंह जी द्वारा जो ये कहा गया कि सचिन सीमा बोलिए, उसको कोर्ट में हमने चैलेंज कर दिया है। हमने इनके धर्म परिवर्तन को चैलेंज कर दिया जो ये पूरी दुनिया का मूर्ख को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन बच्चों के कन्वर्जन को चैलेंज कर दिया है। हमने इस केस द्वारा जो पंडित जी ने गलत फेरे फिरवाए हैं उसको हमने चैलेंज कर दिया है। जो वहां पर अपने आप को बराती बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस प्रोग्राम में जो शामिल हो रहे थे, डांस कर रहे थे, उन सब पे हमने मुकदमा फाइल किया है। और ये जितना भी आडंबर किया गया ये सब फर्जी है, कानून की नजरों में इल्लीगल है, नल एंड वाइड है। इसको हम कोर्ट द्वारा प्रूव करके रहेंगे और ये हमने केस डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये आपको बता दिया है। थैंक यू।